लुधियाना के करनाल जिले की इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल के मर्चरी हाउस के ठीक सामने की तस्वीरें हैं, जहां पर आपको बता दें कि करीब 50 वर्षीय जो व्यक्ति है वो सफाई करते वक्त जो है उसकी मौत हो जाती है। बताया जा रहा है कि काला हिट जो है गटर पे छिड़का था और उसके बाद जो है उसको चढ़ जाता है काला हिट और उसकी मौत हो जाती है, ऐसा बताया जा रहा है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप शेयर भी अवश्य करें। क्या पूरा मामला है बात करेंगे सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या पूरा घटनाक्रम? ये कह रहा जी, मैं उड्डा कर्मचारी यूनियन का जिला प्रधान हूँ और सवेरे एक साथी का फोन आया भी ऐसे ऐसे करके बात होगी और SDO साहब का फोन आया भी 5:30 बजे वहाँ ये कार्य करने के लिए कोठी पे नंबर एप्लीकेशन में लिखे हुआ, वहाँ कोई दवाई का छिड़काव कराया था। ये कौन सी दवाई थी जी? कौन सी नील दवाई थी? ना काला हिट छिड़काव करने का। तो साथी ने बताया भी अंधे होना उसकी मतलब मौत होगी और किसी भी SDO ना किसी एक्शन ना या कोठी वाला शाम को तो आया था जी, उन्हें आज भी आना चाहिए था। देखो ये छोटी बात तो है नहीं, काम करते वक्त हादसा होया। तुम्हारी मांग ये है कि भी इसके परिवार के सदस्यों को नौकरी दी जाए और विभाग की तरफ से और कोठी वाले की तरफ से इसको मुआवजा दिया। कोठी सर किसकी थी? किसके? प्राइवेट कोठी थी 570। कितना नंबर था? 2370। क्या इनकी उम्र क्या थी? इनकी कहाँ के रहने वाले? 47 साल थी जिनकी उम्र, गाँव रसूल पर कौन सा नली पार था जी। तो घर में काम करने के लिए आए थे या फिर रूटीन में काम करते थे? 22 सालों से उड्डा विभाग में कच्चा कर्मचारी था जी वो। अच्छा, लगातार कार्य कर रहा था जी। ये अधिकारी कोई काम कहेंगे तो जाना पड़ेगा, कच्चे कर्मचारी तो वैसे घर में हुआ है। अधिकारी के नहीं, अधिकारी के भेजने के बाद हुआ है जी ये। अच्छा, हाँ जी हाँ जी। तो कहाँ पर? सेक्टर 13 में। नंबर बताना भाई? 2370 नंबर। क्या दिक्कत क्या थी मतलब? हमें ना तो कोई सेफ्टी दी जाती है सर, सेफ्टी गार्ड हो तो अपनी जान बचाई जा सकती है, ना ही हमारे कोई देखने वाला हमारे को भाई क्या कर रहे हैं क्या नहीं, सीधा कहते हैं भाई ये कंप्लीट करके दो, हम करने चले जाते हैं। सेफ्टी गार्ड ना होने की वजह से आप समझते हैं कि हादसा हुआ है? हाँ जी हाँ जी, सेफ्टी गार्ड ना होने के कारण। 22 सालों से कार्य कर रहे हैं। कितनी उम्र कितनी है इनकी? 47 साल थी जी। अच्छा, तो आपको सेफ्टी गार्ड में कुछ नहीं दिया जाता सरकार की तरफ से? हमने कई बार मांग की है जी, कई सालों से मांग चल रही है जी हमारी, पर दिया नहीं गया अभी तक कुछ। काला हिट का छिड़काव करने के बाद? हाँ, ज्यादा छिड़काव करने का दम घुटने से उनकी डेथ हुई है जी। अच्छा, तो क्या क्या दिया जाता है आपको सेफ्टी गार्ड में? हमें कुछ नहीं दिया जाता, एक बांस दिया जाता, कसी और सेब्बे दिए जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा और कुछ नहीं दिया जाता? कुछ नहीं दिया जाता। हाँ, तो अगर वो सेफ्टी गार्ड होता तो शायद वो बच सकता था, उनकी जान बच सकती है। सेफ्टी गार्ड में तो मास्क वगैरह लगा के जी बच सकते थे वो। अब जब सेफ्टी गार्ड नहीं होगा तो वो डेथ होनी है। तो क्या काला हिट? हाँ जी हाँ जी, ज्यादा छिड़काव करने के कारण मुंह के पास उनकी डेथ हुई। काले हिट का छिड़काव मालिक ने ज्यादा उनके मुंह के बिल्कुल पास किया है जिसके कारण उनकी मौत हुई। अच्छा, क्या कॉकरोच थी उसके अंदर? हाँ जी, जो कह रहे थे कॉकरोच है, इसके अंदर काले हिट डाल देते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ये घटना किसी के साथ भी घटित हो सकती है, ये घटना किसी के साथ भी घटित हो सकती है। किस प्रकार से बताया जा रहा है, काले हिट का छिड़काव किया गटर में और उसके बाद जो है बदबू जो है सिर पर चढ़ जाती है और व्यक्ति की मौत हो जाती है, और साथ ही साथ ये भी बोला जा रहा है कि सफाई कर्मियों को सेफ्टी गार्ड नहीं दिया जाता जिसके बाद ये हादसा हुआ। बाबू जी, सेफ्टी गार्ड नहीं दिया जाता कर्मचारियों को? देखो, सरासरी लापरवाही है प्रशासन की। एक कर्मचारी को ये नहीं पता मेडिसिन कोई कीटनाशक है कोई भी गैस है क्या उसकी जानकारी है उसको, उसको तो कसी चलाने से बांस निकालने से मतलब है। उसको अगर इतनी सोच समझ होती हो ऐसा काम करने की क्या जरूरत थी? उसके साथ कोई मेन कोई अधिकारी कोई अफसर कोई ना कोई उसको जानकारी हो जिसको जो उसको काम पे लगाता है, ऐसा आदमी उनके साथ भेजना था, ऐसा वर्कर उनके साथ भेजना था। यह सरासरी अन्याय है, सरासरी गलती है जी प्रशासन की, मैं इसके विरुद्ध हूँ और हम जहाँ तक भी होगा ना इसको न्याय दिलवा के रहेंगे जी। तो कितने साल के थे, कब से काम कर रहे थे ये? 47 साल कच्चे कर्मचारी थे, काफ़ी टाइम से काम कर रहे थे, 20 साल से लगभग, और 47 साल इनकी उम्र थी। छोटे छोटे बच्चे जी, परिवार है जी, नली पार के। अच्छा, तो आपकी क्या मांग है? कोई मेन सारा नहीं है इसका, परिवार का कोई इसका कोई वो नहीं, मतलब कोई संपत्ति कुछ नहीं है, बेसारा है जी। इसको न्याय मिलना चाहिए, इसको किसी को सहायता मिलनी चाहिए, आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए इसको, जितनी भी हो सके उतनी इसको आर्थिक सहायता मांगने की बात की जा रही है। और बाबू राम जो है इनका नाम बताया जा रहा है, और किस प्रकार से सफाई करते वक्त ये हादसा हुआ था, और फिलहाल एक बहुत ही रोष यहाँ पर देखा जा रहा है, तमाम लोगों की यहाँ पर मौजूदगी देखी जा रही है। तो जितने भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को
आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। सेफ्टी गार्ड ना मिलने की वजह से, जी हाँ, इससे पहले भी शिकायतें जरूर करते हैं कर्मचारी कि हमें सेफ्टी गार्ड प्रोवाइड करवाया जाए, काफ़ी प्रदर्शन भी उनकी तरफ से देखे जाते हैं, लेकिन सेफ्टी गार्ड नहीं मिलता। और जब सेफ्टी गार्ड नहीं मिलता तो फिर कहीं ना कहीं एक आक्रोश कर्मचारियों में जरूर देखा जाता है। तो ये कंप्लेंट करने के लिए जैसे गए वहाँ पे, उन्होंने काले, इन्होंने जैसे ही सीवरेज को खोला तो उन्होंने कॉकरोच देख के, मकान मालिक ने ज़्यादा कॉकरोच का, काले ईट का छिड़काव किया, जिसके दम घुटने के कारण इनकी मृत्यु। तो सरकार नहीं देती है काला हिट? नहीं, सरकार हमारे को कुछ नहीं देती जी। कोई सेफ्टी नहीं है सर हमारे पास, कोई सेफ्टी गार्ड। हमने कई बार डिमांड किया इस चीज़ की, कोई सेफ्टी गार्ड नहीं दिया गया हमारे को। क्या मांग है आपकी तरफ? हमारी एक तो ये मांग है जिसको मुआवजा दिया जाए, इसके घर में से एक आदमी को नौकरी दी जाए डीसी रेट पे, ताकि ये अपने घर का गुजर बसर कर सके। नली पार के रहने वाले? हाँ, नली पार के रहने वाले हैं जी। बाबू राम नाम है जी, उम्र 47 साल थी। तो बिल्कुल बाबू राम जो है इनका नाम है, और सेफ्टी गार्ड ना होने की वजह से फिलहाल एक आक्रोश कर्मचारियों में पहले भी देखा गया, और एक और कर्मचारी की मौत हो जाती है। अगर सेफ्टी गार्ड होता तो शायद इस व्यक्ति की जान बच पाती, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। और फिलहाल काम करते वक्त किस प्रकार से जो मजदूर व्यक्ति, जो कर्मचारी था, वो फिलहाल उसकी मौत हो गई है। काला हिट का छिड़काव किया और उसके बाद जो बदबू है उसके सिर पर चढ़ गई और उसकी तुरंत मौत हो जाती है। अपडेट आपको देते रहेंगे, आप इस तरीके से बने रहेगा करनाली 24।